नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जय श्रीवास्तव, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के पास फिर से एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, जो कि है पनीर समोसा, जिसे आप नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मगर हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए और वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए और बातें नहीं करते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। 1 kg बॉयल्ड आलू, 200 ग्राम पनीर, 50 ग्राम हरा मटर, 1 कटोरी चॉप्ड अनियन, 5-6 ग्रीन चिली चॉप्ड किया हुआ, ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े काट दिए मैंने, 1 रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, नमक और गोटा जीरा। अब पनीर को फ्राई कर रही हूँ, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है हल्का। ये देखिए उसी तरह मटर को भी फ्राई करना है। फिर कढ़ाई में तेल गरम करके उसको इस तरह से फैला देना है चारों तरफ। 2 टेबलस्पून जीरा, 1 chopped onion डाल देंगे, 1 chopped green chili, तीखा आप अपने हिसाब से ला सकते हैं, 1 इसको ऐसे फ्राई करते रहना है, आंच का फ्लेम तेज रहेगा। ये देखिए 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच जीरा धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 तीखा अपने हिसाब से डाल लें और फिर इसको इस तरह से मिक्स कर देना है। नमक स्वाद अनुसार, मगर नमक की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये एक स्टफिंग है। अब बॉइल्ड पोटैटो इसमें मिक्स करेंगे और इस तरह से इसको फ्राई करेंगे।
फिर और फिर इसको इस तरह से अच्छे से पैक कर देंगे। इसको फुल पैक करना होगा, कहीं से भी गैप नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से समोसा का ये रेडी हो जाएगा। अब हमें कढ़ाई गरम कर लेनी है और उसमें रिफाइंड ऑयल डाल देना है और फिर उसके बाद इस तरह से सारे समोसों को ऐसे डाल देना है। डालते समय आंच का फ्लेम तेज रहेगा। देखिए पूरा गोल्डन ब्राउन हो गया, मतलब हमारा समोसा पूरी तरह से तैयार है। अब इसको एक अलग प्लेट में निकाल दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।